दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, फिर हमें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। अगर वो हमारा ब्रदर इन लॉ बन गया तो। जैनब, तुम सलीम से अभी अभी मिली, तुम्हें क्या पता कि वो यूजफुल है या यूजलेस है, और उससे तुम्हें क्या मतलब है? ठीक है, मैंने तो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर किया तुम्हारे साथ, मुझ पे चिल्लाने से अच्छा उसकी तरह बन जाओ। तो तुम क्या कहना चाहती हो, मैं बहुत बुरा पति हूँ, तुम पे जुल्म ढाता हूँ? हाँ ये सच है, दिन भर मैं घर की सफाई करती रहती हूँ, देखो मेरे हाथों को। तुम मेरे साथ सही नहीं कर रही हो, समझी? अच्छे से बात भी नहीं करती हो मुझसे। भाई आप सोए नहीं? तुम्हें अपनी आंखों से दिख रहा है ना, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो सो कैसे सकता हूं? अच्छा आप क्या क्या सोचते हैं सलीम के बारे में? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, दीदी उसके बारे में सीरियस लग रही है, देखा नहीं तुमने? आपको नहीं लगता है सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है? पता नहीं यार, कुछ नहीं पता। दीदी ने हमें बताने से पहले ही अच्छी तरह से सोच लिया होगा, क्या कहते हो? पर इस बार हमें भी इसके बारे में थोड़ा श्योर होना चाहिए, बारिश वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, कहीं ये भी उसकी तरह फरेबी ना हो, हमें इसके ऑफिस जाके देखना होगा। हाँ, चलते हैं। मुझे भी लगता है कल सुबह हम उसके ऑफिस में जाके चेक करते हैं। ठीक है, मैं भी चलूंगा। मेरी तरफ से एक थप्पड़ मार दो उसको। अरे यार तुम लोग मुझे सोने क्यों नहीं देते? तकिया वापस मत करना, लो सोने दो उनको। वैसे ही मैं भी सोने जा रहा हूं, गुड नाइट। हम लोग आ गए, तुम लोग लेट हो जाओगे। स्कूल तुम्हें जाना है, मुझे नहीं। तुम्हें पता है सोते रहने से तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। तुम भी ना अभी तक यहीं पर रहो। हाँ तो क्या, देखो अपने हस्बैंड का बिल्कुल केयर नहीं करती, वो स्कूल में बिना खाए जाएगा, उसके लिए सैंडविच तो बनाओ तुम कम से कम। अरे अरे उस पर ऐसे गुस्सा मत करो, मुझे तो बिलीव नहीं होता तुम अपने आप खा भी नहीं सकते। तुम अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाते बेवकूफ कहीं के? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं सिखाया है? क्या सिखाया आपने? मतलब आपको क्या लगता है मुझमें कोई कमी है? दीदी मुझमें कोई कमी है क्या, बताइए। बेटे तुम्हें ये कहना चाहिए था, थैंक यू सो मच पापा, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आपके हम पर बहुत सारे उपकार है, ये भी वो भी, समझे? दीदी आज बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने आपको जाना होगा, आप जा सकती हैं प्लीज? ठीक है मैं उन्हें ड्रॉप कर दूंगी, तुम जाओ, तुम लेट मत हो। ओके कम ऑन, खाना बंद करो और चलो मेरे साथ, चलो लेट्स गो, चलो जल्दी। ओके कम ऑन, चलो खाना बंद करो और चलो मेरे साथ। ठीक है चलो, हमें भी स्कूल जाना है, लेट हो गए हैं। पर दीदी आप क्यों आ रही है, हम अकेले जा सकते हैं? हाँ मुझे पता है तुम कहीं भी अकेले जा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने आ रही हूँ। ठीक है चलो आ जाओ, जल्दी करो आ जाओ आराम से। हाँ देखा आपने, वो लोग मेरी हेल्प करे बिना चले गए। अरे कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी तूफी के कॉफी हाउस जा रहा हूँ। मेरे पास एक नई आइडिया है। इस घर में सिर्फ मुझे आइडियाज आते हैं, समझे? क्या आइडिया है तुम्हारा? ये हम दोनों के लिए बहुत यूजफुल होगा। दोनों हाँ। के लिए? अच्छा चलो बताओ मुझे, मैं चाय पीता हूँ। अच्छा तुम श्योर हो यही उसका ऑफिस है? हाँ लगता था यही है, पूछो उससे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। जी हम मिस्टर सलीम से मिलने आए हैं। ओके रहमत और हिकमत उनसे कहिए, फिलिज एलिबोल के भाई आए हैं। ओके रहमत, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ मिस्टर सलीम से कुछ बात करने आए हैं, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हाँ हमें भी तो उनसे कुछ बात करनी है इसीलिए। अरे यार तुम लोग सब अपने मतलब के लिए आ गए ना यहाँ पर, छोड़ा नहीं तुमने। जैनब तुम भी यहाँ डैड के साथ आ गई, वैसे तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। क्या मुसीबत है? मैडम आप उनसे कहो कि फिलिज एलिबोल की फैमिली उनसे मिलने के लिए आई है। लेकिन देखिए हमें उनसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो आप ऐसे ही अरेंज करिए। हाँ हम पहले उनसे मिलना चाहते हैं।
मुझे भी तो उनसे मिलने के बाद स्कूल जाना है। नहीं, वर्कशॉप का सारा काम छोड़कर आए हम लोग। बात पर ध्यान मत दीजिए, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनको कोई परेशान नहीं करेगा, समझे ना। नहीं, हमें वर्कशॉप जाकर काम खत्म करना है। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। चलिए, हमें अपना आईडी कार्ड दिखाइए। एक्सक्यूज मी, हमने बहुत धोखे खाए हैं, इसलिए ये अच्छा होगा कि आप अपना आईडी प्रूफ हमें दिखाइए। कल शाम को जब आप हमारे घर आए थे, आपने बहुत सारी पेटीज खाई, मीट बॉल्स खाए, आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम सलीम है या नहीं। आपको पता है कि बरिस का असली नाम सवास है, जो बात हमें बाद में पता चली। सही कहा। हो सकता है आपका नाम भी सलीम ना हो के हलीम हो या फिर करीम हो। आईडी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो दिखाइए, देर किस बात की है, इसलिए तो बैठे हैं हम लोग। अच्छा, बहुत जल्दी में हो। ये देखो, नाम तो सलीम ही है, ये लास्ट के डिजिट्स क्या है? 821। कार्ड तो असली है। ओके, अच्छा कहीं ये शादीशुदा तो नहीं, जरा चेक कर लो। अनमैरिड लिखा हुआ है, सिंगल ही है। कांग्रेचुलेशंस, अपना कार्ड अपने पास रखिए, तो अगले पड़ाव के लिए तैयार रहिए। क्या मतलब? इसका मतलब क्या आप हमेशा से लॉयर ही हो? हाँ, मैंने लॉ की पढ़ाई कॉलेज से की थी और तब से मैं लॉयर ही हूँ। क्या आपने कभी चोरी की है या फिर इससे पहले आपने कभी कोई क्राइम वगैरह किया है? तुम लोग मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो ना? जी हाँ, हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, क्यों एक पथ। ऑफ कोर्स, हमें जो जो मिलता जाएगा हम वो सब चेक करेंगे। क्या है ना, हमारी बड़ी बहन का मामला है। ठीक है, मेरी बात सुनो, वो उससे प्यार नहीं करती और ये बात तुम भी जानती हो। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही वो ये? सिसिक, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं उसे बरिस के साथ ऐसे ही छोड़ दूँ? देखो सलीम बहुत अच्छी इंसान है, उसे खुश रखेंगे हमेशा। तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छा इंसान है? क्या तुमने उसकी आईडी देखी? क्या जानती हो उसकी फैमिली के बारे में, बताओ मुझे। सिसिक, तुमने देखा ना, उस बरिस की वजह से हम सब पर शक करने लगे हैं। हम इसे पहले ऐसा नहीं करते थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है, और इस बार देखते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरे होते हैं। और बरिस के पेरेंट्स ने ही तो फिलिस को मुसीबत में डाला था। ऊपर वाले ने ना मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत किया है, मैं उन्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्या क्या कहा? हम लोग उस लॉयर की फैमिली के बारे में पता लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो बरिस की फैमिली जैसा तो नहीं है, ताकि फिर से कोई गड़बड़ ना हो, है ना? हाँ, लेकिन ये सब होगा कैसे, बताओ। मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास आइडिया है? चलो। हाँ ओके, शांत हो जाओ, आराम से। आपके पापा क्या करते थे? जज थे। क्या बात है, मतलब आप जस्टिस देते हैं। वैसे कहाँ पर है वो? 4 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई। गॉड ब्लेस यू। ये तो बहुत बुरा हुआ। और आपकी माँ? वो मेरी आंट के साथ आई वेलिक में रहती है। ओके, और जब वो यहाँ आती हैं तो कहाँ रहती हैं, और क्या आपके भाई बहन हैं? उन्हें मोशन सिकनेस है, इसलिए वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं, लेकिन वो जब भी यहाँ आती हैं तो मेरी बहन क्या रुकती है। एक सिस्टर भी है, नोट करो। ओके, और उनके अलावा और कोई नहीं? ये भी नोट कर लो। आपके डैड क्या करते हैं? जज थे। मैं मजाक कर रही थी। एनीवे, वो सब छोड़ो। हमें आपकी माँ से मिलना होगा, तो उन्हें प्लीज अर्जेंटली यहाँ बुला लीजिए। हाँ, और ऐसा ना हो कि वो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे और फिर पुलिस को वापस जेल में जाना पड़े, इसलिए अच्छा होगा कि हम पहले उनसे मिल लें। ये तो करना ही पड़ेगा। ओके, मैं उन्हें कॉल करके बुला लूंगा जल्द से जल्द। हाँ ठीक है, उन्हें कॉल कर लो। अब हमारा टर्न आया है। तो यार हम क्या रहे हो? पूरे नहीं हुए, हमें कुछ बात करनी है, हमें सवाल करने बाकी हैं। अरे चलो चलो चलो, उठो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। ये लीजिए पेन आपका है शायद। जा, हम बाद में आएंगे। और आप अपनी माँ को फोन करके बुला लेना, ठीक है? जाओ जाओ, पहले यहाँ से निकलो। लेकिन हमें और भी बातें करनी थी, पूछना था, ठीक है? कॉल करना भूलना मत। कैसे हो डियर ब्रदर इन लॉ? थैंक यू सो मच। वो तो सब ठीक है, जो मैंने कहा था वो कहाँ है अभी? अब मैं आपके लिए जल्द ही वो खरीद के दे दूंगा। सच में? जी बिल्कुल।
तो मुझे स्विट्जरलैंड भेज दो, मैं वहाँ खुद जाकर पता लगाऊंगा कि वो लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आपसे कोई क्यों झूठ बोलेगा? डियर ब्रदर, अब तो आपका हमारे घर में आना जाना लगा ही रहेगा। आपने देखा ना हमारा घर कितना छोटा है, आप मेरे और हिकमत के लिए एक घर का अरेंजमेंट कर देना प्लीज। एक घर? हाँ, स्विट्जरलैंड। ओके, मैं जरूर ट्राई करूंगा मिस्टर फिक्री। तुम्हें पता है ना, अगर मैं स्विट्जरलैंड चला गया तो मैं तुम्हें बहुत शानदार पार्टी दूंगा। ओके ओके